हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के ऊपर। नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर। क्या है वो न्यूमेरिकल, सबसे पहले हम उसको देखते हैं और अच्छे से उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखेंगे। हाँ, क्या बोल रहा है, जैसे जैसे वो लोग बोलते चलेंगे हम लोग वही काम करते चलेंगे। एट द लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है? चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या ये कहानी कहना चाह रहा है। बोल रहा है कि ए स्टील ब्लॉक विच इज 4 मीटर लॉन्ग, बोलता है एक स्टील का ब्लॉक है जो 4 मीटर लंबा है, 30 mm वाइड है और 20 mm थिक है। बहुत बढ़िया बात। एक बात तो यहां से क्लियर हो गया कि एक स्टील का ब्लॉक है जो कैसा है, 4 मीटर लंबा, 30 mm विड्थ और 20 mm थिकनेस, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 30 kN और उस पे एक्सियल पुल लग रहा है 30 kN का। पुल मतलब कि खींचा जा रहा है, मतलब कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है। कितना? 30 N का। इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, और ये जो फोर्स लग रहा है वह लेंथ के डायरेक्शन में लग रहा है। हमसे सवाल पूछ रहा है फाइंड करो क्या चीज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। कब? जब ई दिया हुआ हो 200 GPa और म्यू की वैल्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो 0.3 दिया हुआ हो, ठीक है? अब हम लोग इस डेटा के ऊपर जो जो डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से लिख लेते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है। आ जाओ, बिल्कुल सही बात, ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात, ब्लॉक की लंबाई दी हुई है लेंथ, जिसको हम एल के नाम से बात करेंगे, और एल दिया हुआ है 4 मीटर। चूंकि हम सारा डेटा एमएम में लेते हैं, कंपलसरी नहीं है लेकिन आसानी से सॉल्व होने के लिए हम लोग सारा डेटा किस में लेंगे, एमएम में। तो मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या किए, 1000 से गुना कर दिए। अच्छा, विड्थ दे दिया है, विड्थ दे दिया है मतलब कि वाइड कितना है, है ना? तो मान लेते हैं बी है, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, एमएम में दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात, 30 mm वाइड दे दिया है, हमको तो एमएम से ही मतलब है, बिल्कुल। अगला थिकनेस भी दे के रखी हुई है, थिकनेस भी दे के रखा हुआ है। अच्छा, थिकनेस कितना दिया हुआ है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। थिकनेस मेरे दोस्त दिया हुआ है 20 mm। यहां तक की डेटा दी हुई है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इन डेटा को देखते हुए हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो माना कि यह एक स्टील का ब्लॉक दे दिया है, ठीक है भाई, यह स्टील का एक ब्लॉक है, बहुत बढ़िया ब्लॉक। हाँ, ध्यान से देखेंगे, यह लंबाई हो गई। अच्छा, ये भी डेटा दे दिया है कितना, तो एमएम में लिख देते हैं 400 mm, ये लंबाई है। अच्छा, विड्थ दे दिया है कितना, तो विड्थ दे दिया है 30 mm, बहुत बढ़िया 30 mm, और थिकनेस भी दे के रखी हुई है कितनी, तो 20 mm। अच्छा, ये डेटा अपने पास आ चुका है, ठीक है भाई, उस हिसाब से हम ब्लॉक बना दिए अपना। आगे क्या बोलता है कि इसके ऊपर एक एक्सियल पुल लग रहा है, कितने न्यूटन का, 30 kN का। किस डायरेक्शन में, तो लेंथ की डायरेक्शन में। सवाल में यही दिया हुआ है कि लेंथ के डायरेक्शन में एक एक्सियल पुल लग रहा है 30 kN का, इच सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, कितना किलोन्यूटन का, 30 kN का। किस डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो उसको भी देख लेते हैं।
एक्सियल पुल ये वाला हो गया एक्सिस पे लगने वाला, पी कितने किलो न्यूटन का, 30 किलो न्यूटन का। चलो तो इधर से भी लगाना पड़ता था, 30 किलो न्यूटन का एक्सियल पुल लग रहा है लेंथ के डायरेक्शन में, और लेंथ ये वाला है इसलिए इस डायरेक्शन में लगा दिए। अच्छा तो भाई यहां पर एक और चीज दे दिया, क्या लोड जिसको हम पी बोलते हैं, कितना 30 किलो न्यूटन, मतलब कि 30 × 10³ न्यूटन। सवाल में बोला है कि ई का मान 200 गीगा पास्कल है। अच्छा इसको गीगा पास्कल को कैसे लिखेंगे, 200 गीगा मतलब इतना और पास्कल मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हमको न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 200 × 10³ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। समझने के लिए क्या करो, मीटर को mm में चेंज कर दो। तो मीटर को अगर mm में चेंज कर दोगे तो क्या होगा, तो अगर एक मीटर है तो 1000, और यहां मीटर स्क्वायर है मतलब कि 1000 × 1000 तो नीचे में हो जाएगा ना mm स्क्वायर। अब यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 कट गया तो 3 ही ना बचा, तो न्यूटन mm स्क्वायर में हो गया। अच्छा और सवाल में साथ साथ म्यू का भी मान दे दिया है 0.3, यहां तक की डेटा दी हुई है। अब आपको सामने साफ सवाल दिख रहा है कि यह किस चीज का सवाल है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सवाल है, और कब, जब उसके ऊपर यूनिएक्सियल लोड लग रहा है। क्लास में कराए थे यूनिएक्सियल लोड लग रहा है तो। अच्छा तो याद होगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा हम यहां पर रफ वर्क करते हैं ना, अगर यूनिएक्सियल है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है 1 − 2μ ∆L/L। याद आया, अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, ठीक ओरिजिनल लंबाई दी हुई है, म्यू की मान मतलब पॉइजन रेशियो दिया हुआ है लेकिन ∆L नहीं दिया हुआ है। अच्छा ∆L कैसे निकालते हैं, तो ∆L का एक फॉर्मूला है ∆L = PL/AE। बिल्कुल सही, P दे दिया है, L दे दिया है, एरिया निकाल लेंगे हम लोग, E का मान दिया हुआ है, तो ये सारा डेटा क्या है, दिया हुआ है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो तो अगर हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को चेंज इन लेंथ निकालना होगा। अच्छा तो हम लोग लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो क्या जानते हैं कि भाई ∆L = PL/AE। अरे ये कहानी तो हम लोग जानते ही हैं कि ∆L = PL/AE होता है। अच्छा ∆L मतलब लंबाई में चेंज, तो P कितना है 30 × 10³, लेंथ कितनी है 4000 बट्टा एरिया। आप सवाल उठा, हम आपको सिखाए थे पहले ही कि हम कौन सा एरिया लेंगे, तो एरिया के लिए हम लेंगे कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स जैसे लग रहा है उसका परपेंडिकुलर वाला एरिया। जैसे अगर फोर्स ऐसे लग रहा होगा तो हम ये वाला एरिया लेंगे, जैसे यहां पर साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। एक चीज समझने कोशिश करते हैं, जैसे कि यह एक कॉपी है तो यही समझेंगे कि यह एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो भाई हम साफ देख रहे हैं कि फोर्स ऐसे लग रहा है क्योंकि एक्स का डायरेक्शन यही वाला है, तो ये है, तो ये वाला एरिया लेंगे क्योंकि इसी एरिया के परपेंडिकुलर में फोर्स लग रहा है, तो हम ये वाला एरिया ले लेंगे। कहने का मतलब कि अपन लोग एरिया कौन वाला ले लेंगे, तो ये वाला एरिया ले लेंगे क्योंकि इसी के ना परपेंडिकुलर में लग रहा है फोर्स, तो ये एरिया कितना है, तो 30 × 20। बहुत बढ़िया बात, एरिया हो गया 30 × 20, और ये आ चुका है ई का मान कितना 200 × 10³। कोई दिक्कत, इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखेंगे इससे ये कैंसल, सुनिएगा
इस तीन से ये तीन कैंसिल, देखिएगा एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, दो दुनी को चार, चार मतलब कि एक एमएम आंसर आया। चूंकि हम सारा डेटा एमएम में लिए हुए हैं इसलिए डेलेल भी किस में आया, एमएम में आया। अच्छा अब आते हैं इधर, अब हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा देयरफोर ये ऐसे लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अच्छा जिसको हम इस नाम से डिनोट करते हैं। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वन माइनस टू म्यू डेल एल बाई एल। फिर से यह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला उस समय यूज करना है जब एक डायरेक्शन में लोड लग रहा होगा। बोलो क्लियर है, चलिए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अच्छा वन माइनस टू इंटू म्यू की मान कितनी है 0.3, लंबाई का चेंज 1 और टोटल चेंज 4000। अच्छा ईवी देखेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 इंटू 1/4000। अच्छा ईवी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 4000। देखिएगा क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0001 ये आया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसकी कोई यूनिट नहीं है। अब मुद्दा वाला बात सुनना दोस्त, चूंकि लेंथ के डायरेक्शन में लोड लग रहा था सिर्फ इसीलिए यहां पर लिख दिए हैं डेल एल बाई एल, अगर विड्थ के डायरेक्शन में लोड लग रहा होता विड्थ के डायरेक्शन में तो हम लोग लिखते डेल बी बाई बी, और अगर थिकनेस के डायरेक्शन में लग रहा होता तो डेल टी बाई टी लिखते। बोलो क्लियर है, चलो ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा इतना के बराबर जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बोलो क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं क्या चीज। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बाद चेंज इन वॉल्यूम, अच्छा फिर से एज वी नो, एज वी नो, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वह डेल वी बाई वी होता है, वेयर डेल वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। बोलो क्लियर है, अच्छा और वी इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा तो ये मेरा मान आ चुका है 0.0001, चेंज इन वॉल्यूम हमको नहीं मालूम है बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए हम लोग देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट इसको गुना कर देंगे, मतलब लेंथ ब्रेथ और थिकनेस, तो ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगी। तो 4000 गुना 30 गुना 20 यही है ना, 4030 गुना 20, बहुत बढ़िया। अच्छा तो चेंज इन वॉल्यूम ध्यान से देखिएगा 0.0001 4000 गुना 30 गुना 20, देखिएगा अच्छे से अगर हम इससे इसका गुना करते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1234, यहां पर ही 4000, यहां पर 30 और यहां पर 20, देखिएगा 1234 1234, तो देखिएगा ये हो गया 120 और ये टोटल 240। तो भाई लेंथ में सॉरी वॉल्यूम में कितना चेंज आ गया 240 मीटर क्यूब, इतना चेंज आ जाएगा। अब देख लेते हैं भाई अपना सवाल क्या क्या पूछ रहा था, तो अपना सवाल दो बात पूछ रहा था, क्या क्या तो बताना था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होगी और वॉल्यूम में का फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। लो क्लियर है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अच्छा तो चेंज इन वॉल्यूम तो आ गया है, अब हमको निकालना है फाइनल वॉल्यूम। अच्छा तो अपने को एक बात क्लियर होना चाहिए, क्या चीज, कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है
फाइनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, सिंपल सा सवाल। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है 240। फाइनल वॉल्यूम निकालना है, इसको लिख दें वी एफ और माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कैसे, 4000 गुना 30 गुना 20। अच्छा देखना, 240 वी एफ, अच्छा इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 4 3 12 दुनी को 24, 24 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो वी फाइनल, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो इतना पर प्लस कर देंगे 240। तो भाई वी एफ डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 2400240 एमएम का क्यू, इन दोनों को जोड़ दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो क्लियर एकदम कहानी। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, है ना, वीडियो को लाइक भी करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।